नमस्कार गाँ गली को स्वागत करुछि मिति स्मृति। बौद्धरे खरार प्रकोप बढ़िबा सह उत्कट हेलाणी जलकष्ट। गुरुत्वपूर्ण कथा हेला महानदी कूळरे थाइबी लोके पाणी पाई हंतसंत। सहरांचल ओ नदी कूळरे थिबा लोकंक अवस्था जदि एमिति गाँ गहळीरे स्थिति अनुमान करा जाय पारे। माइल माइल बाट चालिपा परे भी मिळुनी विशुद्ध पाणी। देखिबा बौद्धरु एही रिपोर्ट। डह डह खरा धाड़ी बांधि चली महिला, कारण माइल माइल बाट न चलिए मिलवन पा चुआ पा ही एवं लोकों पर एकम्र भरोसा हेले पा भी पीवा योग्य नुहे। ए दृश्य हो बौद्ध जिलार उपात अंचल मालती गोछापड़ा सराड़ी खोलर दृश्य। सेही समान स्थिति कचपाजु कांडरा और चंद्रशेखरपुर गाँव लोके कूर दूषित पानी व्यवहार करने को बाध्य। हरभंगा भेजीगोरा दुर्गा प्रसाद राउतपड़ा कुमारी आदि नदी कूड़िया गाँवर स्थिति न कहिबा भल। नदी कूल थी लोके पानी पाई डहल विकल। सरकार तरफ जो नलकूप ओवरहेड टांकी होता ताचल जो केतोटी चली गोड़िया पा बाहर फल असुविधार सम्मुखीन होती लोके कूर पा पीकर आम पा छुआ बड़ लोक रोगवाग हो जाए। आई गाँव रचाश घर लोक कू को निर्भर कर चलते सरकार नलकूप सुविधा ना आमर आरा दिन पा सुखीगले बिल मध्य पा आुआ खोल के आम पीऊ आऊ प्राय गाँव में 70% गाँव में जलाभाव पर सरकार अनेक वसुधा योजना अनेक योजना होजन रूपरेख कौन कौट कम करेंगे। बौद्ध जिला को आसे बर्तमान देखिपर और पापे बर्तमान किलोमीटर किलोमीटर लाइन लंबी आरंभ होगा। आगामी दिन में परिस्थित भयंकर हम तेणु आज सरकार जिते योजना कर बास्फोट न मारी बास्तवता स्थित को आसी बास्तवता को परिलक्षित कर लोक जल जगेबार व्यवस्था करने आपरिया दावी कर। जिलार प्राय 100 किलोमीटर अंचल दे जाइछि महानदी हेले छत्तीसगढ़ ब्यारेज निर्माण पर एबे सुखिला पड़ी नदी। ग्रीष्म दिन आरंभ नदीर एमती अवस्था देखि चिंतित बौद्धवासी अभियोग होछि नदीर जलस्तर कमि जिबा परे लोकंकु दूषित पानी जोगाउछि जल जोगाण विभाग। एनएसी रो प्रति मुख्य छकरे थिबा ठंडा पानीय जल जोगाण प्रकल्प अकामी होइ पड़िथिबारु यात्री मध्ये हैरान हेउछन्ति। सेपटे समस्यार समाधान नै प्रयास चालिथिबा कहिछन्ति जिलापाल। बौद्धरे आमर मा नदी जाउछि सत जोर खरा हले पानी पाइ पारुनि बहुत हैरान होछु खरा हां गाधे पाधे जिबा नागि भी गला बहुत दुरिया पडुछि आउ जदि भी आमे नदी कोले अछो तथे पानी जलर जल पानी जलर सुविधा आहरी आवश्यक पड़ुछि जोगाणटा विशेष भाव रे समस्त को दरकार होछि। विशेष करी शहर रे तो चली जाउछि मौसल अंचल पानी जलर अभाव प्राय बहुत गाँव में रही। गोटे परमानेंट सल्यूशन करने गोटे डीपीआर कर पठे आम जो जो गाँव में निहाती पानी जल असुविधा अच्छे आम टैंकर पठो अलरेडी टेंडर को गला हरमगार जो पानी जल समस्या था गोटे सरकार बड़ प्रोजेक्ट आपू कर 200 कोटी टकर बड़ प्रोजेक्ट जोटा कि महानदी पा आरा एंटायर ब्लक को घरे घरे पा पहुंचाइए सी 2 वर्ष लगे करने। खरा आरंभरु स्थिति एमिती तेणु तुरंत ए दिगरे पदक्षेप नेबा जरूरी। बौद्धरु शाश्वत दास न्यूज 18 ओडिया। सफल युव उद्योगीक नै चर्चा आमे कहुछु केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई गुंठी गाँवर रंजन साहूंक कथा। टेक्सटाइल मैनेजर चाकरी छाड़ी गाँवें खोली कपड़ा उद्योग ग्रीन गार्मेंट्स। लॉकडाउन बेले चाकरी हर घर हाथ बांधि बसिथिबा युवतींकु जोगाई देछन्ति रोजगार। प्रवासी को काम जोगाइथिबा रंजन को एबे मिलुछि सबु आडू प्रशंसा। कोरोना बदलाइ देला परिचय। टेक्सटाइल मैनेजर रु युव उद्योगी चाकरी छाड़ी गाँव खोलिले शिल्प। आखपाखर बेकार युवक युवती काम जोगाइ देबा सह रोजगार देइछन्ति केन्द्रापड़ा पट्टामुंडाई गुंठी गाँवर रंजन साहू। दीर्घ 21 वर्ष चाकरीर अभिज्ञता को बाधेय करी गाँव में खोली कपड़ा उद्योग ग्रीन गार्मेंट्स।
लॉकडाउन बेले चाकरी हराई घरे हाथ बंधी बसीथिबा युवक युवतींक पई काम जगाई दैछंति रंजन। केरळर एक कपड़ा उद्योग रे काम करथिबा 150 युवतींक मध्यरु 70 रु अधिक युवतींकु जगाई दैछंति काम। विभिन्न राज्यरु आणुछंति कंचा माल आउ सेथिरे पैंट शर्ट आदि प्रस्तुत करछंति। केवल सेतिकि नुहे कोलकातारु 3 जण प्रशिक्षकंकु आणि युवती मानंकु कपड़ा प्रस्तुत करिवार प्रशिक्षण भी देउछंति। निजुक्ति हराई घरे बसीथिबा युवती माने पुणि रोजगारक्षम हेबा सह रंजन सारंक उद्यमकु प्रशंसा करछंति। आगे आम केरल काम करूँ तो कोरोना समय रे से मना कर पलि आसलु गाँव में बसी तो कौन कर भाभी ये गोटे कंपनी खोल थे जानलु जो आम सब ये आसलु कम कलु मत कंफर्टेबल लगुच आम कर दुई वर्ष है केरल काम करी से असुविधा खावाई बहुत प्रोब्लेम है भी कोविड 19 है असुविधा हबार गाँव को बहुत कष्ट पलै आसलु सारू आम जोजोग कर फर्म फर्म पके आम कम कलु पाखे घर अच्छी आम बहुत असुविधा भी हो पारन से आम पलै आस कम कर घर भी सुविधा किसी ये कर मैट्रिक रे फेल किंतु अभिज्ञता अनेक बेंगलुरु केरल आदि स्थान रे चाकरी करी साउटिथिबा अभिज्ञता को सफल रूप देछंती रंजन। एबे से बालेश्वर जाजपुर कटक जगतसिंहपुर आदि अंचल रे व्यवसायी को जोगाइबे कपड़ा। लॉकडाउन बेले चाकरी हराइथिबा युवपीढ़ी को अवस्था देखि एभली उद्योग खोलिबा को मनस्थ करथिबा कहिसंती रंजन। जिलापाल भी सहयोग रो हाथ बढ़ाइछंती घर को आसला देखिली जे सब आड़ पिला मैंने केरला चेन्नई बेंगलोर सब पिला झील पिला मैंने जाकर कम करते से मैंने भी असुविधा सम्मुखीन नहीं गाँव को पड़ी आसली गाँव को आसला मुझे निश्चिंत धारणा कली आमर एट प्रपर्टी उपर 3000 स्क्वायर फिट रोटा घर कर मेसीन लगे पिला कम देवाई समस्ते जे सब रखी थे जी आम बहुत दिन धरी बाहर रही जो संचय कर धन से मेसीन पक पा ट्रेनिंग दौले ट्रेनिंग दे पा कम देमर तो रखी संचित धन सब लगेदेले ये करोना करोना समय तर कि भी इनकम ना कि गवर्नमेंट रहयोग आमको हेले आम टे आग को आ कि बढ़े पारंतु जदि तक लैंड रिलेटेड कि इनवेस्टमेंट रिलेटेड किसी प्रपोजाल थाए सी देन एमएसएमई एंटरप्रेन्योर हिसाब से जीएमडीआईसी थ्रु अप्लाई करेंगे से लैंड रिलेटेड हेल्प हो कि किसी लोन हो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कि इनवेस्टमेंट प्रपोजाल है सी जीएमडीआईसी थ्रु आसे आम बैंक लिंकेज हो कि किसी लोन आम कर। रंजन गाँवें कपड़ा उद्योग खोलिबा नुआ आशा संचार करिछि। बेकार युवक माने एभली उद्योग स्थापन करिबा को आह्वान देछन्ति से। बढ़ुच्छे ग्रीष्मर राजूति सुखिबा को लागिला नई पोखरी मात्र मासे होइजिबो भद्रक चांदबाली ब्लॉक नुआका इच्छापुर गाँवें आसुनी पाइप पानी गायगोरु ठारु आरंभ करी मणिष समस्ते निर्भरशील गोटे नलकूप उपरे लुणा अंचल रे एमिति परिस्थिति परे भी कर्णपात करू नहांती कर्तृपक्ष अचल जल जोगाण व्यवस्था टोपाए पाणी गाँवर एकमात्र नलकूप भरोसा जलाभाव जो 10 बाल्टी पानी जगार 2 बाल्टी चलुछे। भद्रक चांदबाली ब्लॉक जलेश्वरपुर ग्राम पंचायत 2012 पाइप जोगे आरंभ होता जल जोगाण आश्वस्त होते लुणाप्रवण चांदबाली अंचल लोके ट्रांसफर्मर पोड़ मसे हेब अचल जल जोगाण व्यवस्था दुईट वार्डर प्राय 1000 अधिक लोक पाणी हाहाकार सकाळ हेले गाँवर एकमात्र नलकूप लाइन लगाउछन्ति ग्रामवासी बारंबार अभियोग सत्वे फल सुन आगामी दिन में समाधान नहले आंदोलन लागि चेतावनी देइछन्ति गाँव लोक 2-3 हजार लोक ये पानी पाया जो 10-12 वर्ष प्रोजेक्ट आरंभ होपटे आ पानी अलवा व्यवस्था किसी ना यार ऊपर सब डिपेंडेंट ये हटात बंद हो गला पानी पाया लोक हईरा दावी जदि आमको किसी न्याय पदक्षेप ना जाए तो आम बाध्य होबू अलग किसी रास्ता को बुलाइप कि कलेक्टर पहुँचापुर आम खावा पीवा गाधवा सब व्यवहार करूँ कि पापी ए बहुत हईरा हो सरपंच किए शुणुना बहुत पाने जा कहले आम ये भी धारणा दे रु कि कौन सी पदक्षेप नौ ना सी पा आम ये पा पीऊन खाऊन गुरु भी खाऊ रंधा बड़ा सब मत दल पोखरी पा गाध दिह हाथ भी कुंडे हो सरपंच को जनइले सरपंच किसी बुझुनि कह बीड़ुआ को जनइन बीड़ुआ किसी बुझुनि पा ना बहुत हईरा। चांदबाली ब्लॉक नुआ गाँ इच्छापुर गाँव में बिजुली ट्रांसफर्मर पोड़ अचल पानी जल प्रकल्प
तेज नुआ ट्रांसफर्मर बसा सरी हेतु खूब शीघ्र प्रकल्प कार्यक्षम हो कर्तृपक्ष ट्रांसफर्मर आम जलेश्वरपुर नुआ गाँ छपुर व्टर सप्लायर ट्रांसफर्मरटा पोड़ जाता रिप्लेस करने आम नेक्स को जनइलु जेहतु इलेक्ट्रिक ड्यूज बाकी क्लीयर कलापर से रिप्लेस करदे जमी चलता सेम चल रेगुला खरादिन आसु आसु देखा देला जल संकट पोखरी सुखा बसता बेले भयंकर प्रदूषित नदी जल ताछड़ा भूतल जलस्तर ह्रास हेतु अधिकांश नलकूप अचल केतेक लुणापा निर्गत हो व्यवहार अनुपयोगी हो पड़ी एपरी स्थले पाइप जोगे जल जोगाण अपरिहार्य हो पड़ता बेले मसेरु अधिक होब सृष्टि भयंकर जल संकट भद्रक तपन स्वईं न्यूज 18 ओडिया बंचीथिबा मनीष नारे डेथ सर्टिफिकेट कैपिटल हॉस्पिटल सांघातिक त्रुटि चिकित्साधीन अवस्थारे सान भाईर मृत्यु परे बड़ भाई नारे मृत्यु सर्टिफिकेट स्वर्ग द्वारे घंटा घंटा पड़ रहा मर शरीर पिपिली खूलशेखर पटनारे अंचल चांचल्य खेली जाइछि कैपिटल हॉस्पिटल सांघातिक त्रुटि बंचीथिबा मनीष नारे डेथ सर्टिफिकेट चिकित्साधीन अवस्था सान भाई मृत्यु घटला बड़ भाई नाँ आसला मृत्यु सर्टिफिकेट एमती अव्यवस्था को नहीं अकलरे कैपिटल हॉस्पिटल असुविधार मृतकों पर फल पुरी स्वर्गद्वार घंटा घंटा पड़ रहा मर शरीर घटना एमती पिपिली अबलपुर गाँव हरप्रसाद कैपिटल हॉस्पिटल चिकित्सित होते गत 2 तारीख में होता मृत्यु मात्र हॉस्पिटल कर्तृपक्ष हरप्रसाद स्थान बड़ भाई नेत्रानंद डेथ रेकर्ड इश्यू करते जहाक नहीं शव सत्कार समय उपजी नाना समस्या तेणे बड़ भाई ना हटाई सान भाई नाम उल्लेख करने को पर पक्ष दावी हो भाई मेडिकल तरफ मो भाई नाना पड़ी मो ना पड़ी घर को आसलु स्वर्गद्वार नहीं गलु स्वर्गद्वार मनुष्य बाटे पहुँचल न पड़िया दे अनुमति थाना सरपंच भाई मोर पोड़ी आसलु सान पोड़ा तो चली गला बड़ पु ना देखु अल्टा ना ये तो दुनिया चली गला जो बावला समाधान हम जमी जो मृत हो ना मृत न हो नाइटा समाधान हम किसी दरकार ना प्रत्येक दिन हजार हजार रोगी कैपिटल हॉस्पिटल को आसी थांदी आग धाड़ी हॉस्पिटल रे एमिती हेबार कारण कौन एभली कार्यर तदंत कर आवश्यकता रही नहले असावधानता जो गरीब लोक मैंने हईराण में पड़ुंट घटन तदंत कार्यानुष्ठान दावी कर कुलशेखर पटना सरपंच मेडिकल कर्तृपक्ष एते बड़ दायित्वहीनतार काम करेहेतु गोटे बड़ भाई ना लिखिदेव बंची थाउ थ तार डेथ सर्टिफिकेट आसीगला से गोटे प्रोब्लेम हो जांच करवा दरकार हस्पिटाल कर्तृपक्ष जांच कर ही सर्टिफिकेट बाहर करवा दरकार त्रुटिपूर्ण कागज बंची नेत्रानंद को बंची थाउ थाउ मृतक परिचय जहाँपाई आगामी दिन में नेत्रानंद परिवार अनेक समस्या पड़ आशंका करा पुरी जिला पिपिलीरु देवाशीष सिंह न्यूज 18 ओडिया वर्तमान समय होइछे एक ब्रेक रहा ब्रेक परे स्वागत सुवर्णपुर जिला बिनिका थाना जुलुंडा गाँव में नवबधुर हृदघात मृत्यु हो गांव रोजी साहू शाशुघर को विदा होगा समय हठात तले पड़ जाते तुरंत परिवार लोके और नवविवाहित स्वामी डुंगुरीपाली डाक्तरखाना भर्ती कराइले से मृत्यु डाक्तर नवविवाहित रोजी स्वास्थ्य परीक्षा करने मृत्यु होता पर लोक सूचना देते तेज रोजी बहुत उत्सव मुखरित होता परेश छाय खेली जाए संसार कौन जाणी पूर्व रोजी आरपारी को चलीगला बलांगीर जिला लुईसींगा थाना तेतेल गांव को बाहर आसवा पूर्व यह अभावन घटना घटी
ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କର ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା, ଚାକିରି ନକରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଏମିତି ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ବିଶ୍ୱମିଳନ ପ୍ରଧାନ। ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା, ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ବିଶ୍ୱମିଳନ ପ୍ରଧାନ, ବୟସ 30 ବର୍ଷ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ କାମ। ଲଗାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କାଜୁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 10 ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କାମ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜିମା କରିବା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ବୁଝାଇବା ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଇବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଛ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଗଛ ଉପହାର ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା, ପରିବେଶକୁ କେମିତି ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଛ ରୋପଣ ବନାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ପରିବେଶ ଠିକ୍ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଗଛ ନେଲୁ, ସେ ଗଛକୁ ଲଗାଇ ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ ରଖିବୁ। ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଠନ କରି ସମାଜ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କେବଳ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଗଛ। ବିବାହ ମଣ୍ଡପର ଚାରିପାଖରେ ଗଛ ମଣିଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମଣିଷ କିପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ ଲଗାଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟର। ବିଶ୍ୱମିଳନଙ୍କ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ନିଷ୍ଠା ଓ ଆଗ୍ରହ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା, ସେତିକି ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରି ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁଟାକି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ସାମିଆନା ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ବିବାହ ଭୋଜିରେ ବୃକ୍ଷଟି ଉପହାର ଦେଇକରି ସେ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମିଳନ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଘର ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା 8000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ସମ୍ମାନର ସହ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସହରବାସୀ ତଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁବିଧା ନେଇଥିବା କୋଣାର୍କ, ହିଞ୍ଜିଳି, ଅତାବିରା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଗଜପତିର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାହାନ୍ଦିଆଠାରେ ପ୍ରଥମ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ। ଏବଂ ଚରମ୍ପା ଏରିଆର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର କି କ୍ଲାସ୍ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଜିଯାଇଥିଲା, ସେ କିପରି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋର୍ଡକୁ ନ ଯାଇକି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାହାନ୍ଦିଆଠାରେ ଯେଉଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆମର 218 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ନ ଯାଇକି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ନ ଯାଇକି, କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ନିଜ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ସେ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
यह लोक मान हित आस यादारा लोकटी जो जाऊला कटक हो भुवनेश्वर जो अफिस् दौड़ा पड़ा सी दौड़ा पड़ा ना जहाँ मुझे खुशी विधायक भाव में प्रथम फेज में ओडिशा जो आठटी ताकि भद्रक रायथवर मुझे भारी खुशी। कोरापुट जिला नंदपुर ब्लॉक सिड़ापुटरे एक पुराणा पोल भुशुड़ी पड़े ट्रैक्टर जाता बेले खसी पड़ा पोल भंगा पोल अटकी रही ट्रैक्टर गाड़ी इंजन उपले तलू खसी पड़े डाला निश्चित विपदू अल्पके रक्षा पाई गाड़ी चालक एक छोट ना कंक्रीट पोल पड़ा दीर्घ दिन हो पोल होता बेले आज दुर्घटना पर रास्ता को संजोग कर आठ खंड गांव को जोजोग विच्छिन्न हो भद्रक प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा अखंडलमणि पीठ से जगर जात्रा उपरे लागिला कटकणा शिवरात्रि दिन आरड़ी पीठ से लागू हे 144 धारा जगर जात्रा 10 तारीख सकाळ 7:00 रू 12 तारीख सकाळ 7 तारीख पर्यंत पीठ से 144 धारा बलवत्तर रहिबो कोविड कटकणा को दृष्टि में रखी जिला प्रशासन पक्ष एभली निष्पत्ति होइछि जागर जात्रा मंदिर परिसर में नीतिकांति पूजा अर्चना जिला प्रशासन पक्ष कटक जारी हेबो जागर जात्रा समय रे मंदिर भितर को श्रद्धालु प्रवेश उपरे कटक लागू होछि केवल सेवायतों द्वारा समस्त नीतिकांति करा जिवो कोविड पाई संक्रमण भय बढ़ी आस्ते आस्ते राज्य सरकार निर्देशनामा देखते आम कोविड प्रोटोकॉल अनुजाई बाबा अखंडमणि पाखे जमी रीतनीति अच्छी से ही रीतनीति अनुजाई करवा किंतु कोविड प्रोटोकॉल ही करवा सेवायत मान सहायतार ही करवा एबेपी चलुछि सिमिलीपाड़ा अभयारण्य जशीपुर उपनिर्देशकों अधीन आठटी रेंज रु छटी रेंज रे एबेपी निया लागिछि आज सैटेलाइट रिपोर्ट अनुजाई छटी स्थान में निया जलुवा कर्तृपक्ष बरेईपाणी रेंजर तीनोटी अंचल निया लागिथिबा बेले गुड़गुड़िया रेंज तालबंत रेंज समेत केन्दुमुंडी रेंज रे गोटे लेखाएं स्थान में निया लागिथिबा सिमिलीपाड़ कर्तृपक्ष सूचना देछन्ते तेबे अग्निर प्रभाव नियंत्रणाधीन रही निया लागिथिबा अंचल को वन विभाग और अग्निशम विभाग अधिकारी पठा जाइछि कोर अंचल निया लागिनथिबा बेले रेंज अंचल लागिथिबा कर्तृपक्ष कहिछन्ते एतरे कोनोसी पशु पक्षी जनवसति एवं मूल्यवान गच्छर क्षति घटिनथिबा कहिछन्ते कर्तृपक्ष तेबे दीर्घ मास धरि पड़ी रही पत्र गुड़िक जलुछि बोली कहिछन्ते सिमिलीपाड़ कर्तृपक्ष। टेलीविजन रे प्रथम थर प्रसारण हेउछि एक नियारा कार्यक्रम नेटवर्क 18 रा स्वतंत्र कार्यक्रम बायजुस यंग जीनियस आसंता 6 तारीख राति 8:30 रे न्यूज 18 ओडिया रे भेटंतु आविष्कारी सौर्य भसीन को। Hi, I'm Shoya Bhasin. I'm 14 years old. I'm an innovator and I love making things. ये है यंग जीनियस जो अपने रोबोट के सहारे खुशियां फैलाना चाहता है। ये है यंग जीनियस जिसकी टीम वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड जीतकर दुनिया पर छा गई। I have a workshop which I like to call my D&T lab, design and technology. ये वो आविष्कारक है जिसने कबाड़ी के सामान से सस्ता पानी और हवा का प्यूरीफायर बना डाला। मैंने बहुत चीजें बनाए हैं जैसे कि हमारे पास ये यूवी किलर है मैंने एक एयर प्यूरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। जिसने प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए वैक्स पेपर के डिब्बे बना दिए। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले दिल्ली के शौर्य भसीन के साथ जो नेत्रहीनों के लिए सेंसर वाली छड़ी बना रहा है जो अपने आविष्कार पेटेंट करवाकर कमाई नहीं करता बल्कि सबके साथ बांटकर दुआएं कमाता है। हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ रहा है ये यंग जीनियस। समय होइछे गांव गली रे खबर एति की नमस्कार।